तो फिर मुझे लग गया कि कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं है तो बस यहाँ आ गया है आपका डोज ऑफ हैप्पीनेस। चलिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। अभी हो रहे मॉर्निंग के 6:30 और वही मॉर्निंग ड्यूटीज हैं, लंच बॉक्स, चाय, ब्रेकफास्ट। तो चलिए जल्दी से बनाती हूँ। ईशा के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ वेजिटेबल राइस, स्प्रिंग अनियंस, टमाटो, कैरेट, ब्रोकली और पेपर। अनुज के लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ दाल पराठा। बेसिकली दाल को अच्छे से बॉईल कर लेना है, लाइक उससे पूरा पानी सूख जाना चाहिए, और उसको थोड़े से तेल या घी में क्यूमिन सीड, जिंजर, चिली, गार्लिक ये सब देके अच्छे से फ्राई करना है सॉल्ट डाल के, और फिर उसको ठंडा करके आप फिर कर सकते। फिलिंग मैंने कल रात को ही बना के रखा था, बहुत यम्मी लगता है पराठा इसका। ईशा को ड्रॉप कर दिया और हमारा ब्रेकफास्ट भी डन है। अभी केयूष थोड़ी देर टीवी देख रहा है, तो मैं यहाँ पे अपस्टेयर्स आ गई थी कुछ काम करने। और एक्चुअली मैंने सुबह से काफ़ी कुछ कर लिया है, लॉन्ड्री एक लोड डाल दिया है, वो हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक ब्लैंकेट भी क्लीन करना है, और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है तो मैं सारे विंटर जैकेट्स हटा के रख रही थी। बहुत ज़्यादा हुआ तो हल्का सा एक स्वेटर या हल्का सा एक जैकेट चाहिए होता है, तो वो बस बाहर रख लिया है क्योंकि कैनेडा के वेदर का कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मैं न्यूज़ में देख रही थी कि अल्बर्टा में फिर से विंटर वापस आ गया है, और शायद कल स्नो भी हुआ है एडमिंटन में। अगर आप उसके अराउंड कहीं हो तो बताना। आई स्वेयर कैसा लगता है मई मंथ में अगर स्नो हो। आई नो, लाइक लास्ट टाइम भी, लास्ट ईयर ईस्टर के टाइम एडमिंटन में स्नो हुआ था, लग रहा था ईस्टर नहीं क्रिसमस है। ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, और रियली आई कांट थैंक एनफ। मैं एवरी डे थैंकफुल फील करती हूँ कि हम यहाँ पे मूव किया। हमने काफ़ी बिग डिसीजन था अपना घर छोड़ के आना, 4 साल से आप कहीं पे सेटल्ड हो वो सब कुछ छोड़ के आना, बट एक मेंटल पीस बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब इतना लॉन्ग विंटर होता है ना, आप कुछ भी कर लो घर पे, कितनी देर भी एक्टिविटीज़ कर लो, बच्चों के साथ उनको बिजी रखना, खुश रखना घर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वेदर कहाँ अच्छा होता है, कनाडा में कहाँ मूव करना चाहिए। तो आई डोंट नो, बीसी के अलावा आई डोंट थिंक कहीं भी वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट बीसी में भी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे विंटर हार्श ही होता है। बट यू नो वॉट, जब आप फर्स्ट टाइम मूव कर रहे हो ना, तो आपको हर चीज़ छोड़ के ये देखना होता है कि जॉब मार्केट आपके प्रोफाइल का कहाँ अच्छा है। और अल्बर्टा, ओंटारियो, यहाँ पे सब बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जॉब मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं बेसिकली। और अगर आप बीसी देखो, वैंकूवर देखो, बहुत जॉब ऑप्शंस हैं, बहुत बिग सिटी है, बट अगेन बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है और फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। एडमिंटन भी हम इसीलिए मूव हुए थे, हमें पता था कि बहुत ज़्यादा विंटर हार्श होता है, बट अनुज को जॉब अपॉर्चुनिटी वहीं पे मिली तो वहीं पे मूव करना था। एनीवेज, कनाडा की विंटर की कहानी तो चलती रहेगी, हम ज़रा काम पे लगते हैं। तो अभी मैं समर्स के क्लोथ सॉर्ट कर रही थी। एक्चुअली रेंट का घर है ना, तो बहुत बड़ा कबर्ड नहीं है मेरे पास, तो विंटर के टाइम पे मैं सिर्फ विंटर क्लोथ्स ही बाहर रखती हूँ, और समर क्लोथ्स अपने सारे सूटकेस में डाल के रखती हूँ। और पता है विंटर में उतने क्लोथ चाहिए भी नहीं होते हैं, लाइक क्योंकि जैकेट ही पहनना होता है तो अंदर कुछ भी पहन लो। तो मैं तो बस सिंपल से कुछ टी शर्ट्स ही बाहर रखती हूँ क्योंकि उसके ऊपर तो जैकेट ही पहनना है, बट समर्स में हाँ आपको क्लोथ्स चाहिए होते हैं। तो बस वही सब निकाल रही थी, और इनको प्रेस भी करना पड़ेगा, और प्रेस करना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है,
क्योंकि ये काम मैंने कभी किया ही नहीं है। इंडिया में तो घर के बाहर निकलो प्रेस वाले भैया मिल जाते हैं, सुबह दो शाम तक आपको कपड़े अच्छे से प्रेस होके मिल जाते हैं। तो यहाँ आके भी ना विंटर टाइम में तो मैं प्रेस करती नहीं हूँ कुछ, क्योंकि टी शर्ट्स एंड ऑल उतने ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत ही पड़ती, और अनुज के शर्ट पैंट वो ही करते हैं, वो मैंने शुरू से बोल के रखा, आई एम सो सॉरी, मुझसे नहीं होगा तो वो खुद करते हैं। और एक्चुअली मुझसे होता भी नहीं है, लाइक पैंट के प्रॉपर प्लीट्स प्रेस करने पड़ते हैं ना अच्छे से, वो मुझसे नहीं हो पाता है, तो अनुज अपने कपड़े खुद ही करते हैं। और बच्चों के कपड़े भी उतने ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट समर में करना पड़ता है क्योंकि मैं मोस्टली कॉटन पहनती हूँ, कॉटन के शर्ट या कुर्ते, तो उसको तो प्रेस करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस सोच रही हूँ थोड़ा बहुत करके रखती हूँ, क्योंकि कहीं जाना होता है ना, और तब अगर प्रेस नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है छोड़ो क्या ही पहनना, जो है वही पहन लो। और आप बताना आपके सिटी में कैसा है वेदर, ठंड है गर्मी है? इंडिया में तो मोस्टली हर जगह गर्मी हो गई है। और लंच में कढ़ी बना रही हूँ, तो अभी बस चढ़ा के आई हूँ, इंस्टेंट पॉट पे चढ़ा दिया मैंने, क्योंकि सबसे बेस्ट बात यही लगती है मुझे इंस्टेंट पॉट की कि टाइमर सेट कर दो, वो टाइम खत्म हो जाता है, वो अपने आप ऑफ हो जाता है। बिकॉज मुझे यही प्रॉब्लम होती थी कि जब भी मैं खाना बना रही हूँ, बिकॉज कड़ी जैसे खुद कुक हो रही है उस टाइम पे आप कुछ और कर सकते हो, और मुझे अगर अपस्टेयर्स कोई काम है मैं आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे किचन पे कुछ चढ़ा के आप ऐसे कहीं भी चले जाओ बिल्कुल सेफ नहीं होता, कहीं भी सेफ नहीं होता, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे इंस्टेंट पॉट पे यही अच्छा लगता है कि चलो चढ़ा दिया है, टाइमर सेट कर दिया, वो हो भी जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, मैं अपना आराम से ऊपर काम फिनिश करके तभी नीचे जाऊँगी। और ये कितने पुराने पुराने कुर्ते हैं मेरे, एक्चुअली ज्यादा पहनती नहीं हूँ ना, तो सब अच्छी हैं अभी भी। सभ्यता मेरा फेवरेट ब्रांड है, अगर आप दिल्ली में हो तो आपको पता होगा लाजपत नगर में ये शॉप है, और उसके कुर्ते बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली उसके मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और मैंने सॉर्ट करने के चक्कर में काफ़ी कुछ फैला दिया है, और बहुत सारा टाइम लेने वाला है मुझे ये पूरा ब्लॉक अरेंज करना है, काफ़ी फैल चुका है और मुझे बहुत टाइम लगने वाला है इसको पूरी अच्छे तरह से अरेंज करने में। बट आज नहीं करूँगी सारा कुछ, आज थोड़ा बहुत समेट लूँगी और फिर देखती हूँ कल करूँगी या फिर आज नाइट को करूँगी जबकि विशेषा सो जाएंगे। और अभी जाके थोड़ा फ्रूट्स खाते हैं, केविश को भी थोड़ा फ्रूट्स खिलाते हैं, ब्रेक लेते हैं। अभी केविश को वाटरमेलन जूस पीना है। हाँ, and your juice was gone last time. हाँ, दूसरे जूस फिनिश हो गए तो हम वाटरमेलन जूस बना रहे हैं। We, और केविश हेल्प कर रहा है। We need this, we need this. और this is a mixing jar. Yes. अब केविश हेल्प कर रहा है मम्मा को जूस बनाने। That's the color red. चलो इसमें डाले। Put all these. केविश को बहुत कम फ्रूट्स पसंद है और उसमें से एक है ऑरेंज, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको सुन के सरप्राइज होगा, मोस्टली बच्चों को बनाना पसंद है बट केविश बनाना नहीं खाना चाहता है, लाइक बहुत ड्रामा करता है, बनाना शेक फिर भी पी लेता है। व्हाट विल डू एंड ओके, अच्छा खाते टाइम बात नहीं करते, खा लो। बट ऑरेंज और ग्रेप्स अच्छा लगता है उसको, और अब वाटरमेलन भी अच्छे से खाता है, तो ऑरेंज मैं मेक श्योर करती हूँ कि एवरी डे दे दूँ उसको। जब से मैंने ड्राई फ्रूट्स के ये जार यहाँ पे रखे हैं ना, कि उस अपने आप इसमें से स्पेशली रेसन्स लेके खाने लगा है, और शायद इसीलिए बोलते हैं कि हेल्दी स्नैक्स हमेशा आँखों के सामने होना चाहिए, तभी बच्चे खाते हैं।
और मेरी कढ़ी अभी कड़ रही है स्लो कुकर मोड पे, और बस इसमें अभी प्याज अदरक लहसुन और मसाले का तड़का डालेंगे। और आज पकौड़े वाली नहीं बना रही हूँ, आज मैं आलू डाल के बनाऊंगी। और कढ़ी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। तो बिल्कुल आलू प्याज की सब्जी बन गई है, मसाले वाली, बहुत ही यम्मी लगता है ये। और आज मॉर्निंग में जो मैंने दाल पराठा बनाया था ना, वो एक्सीडेंटली बन गया था। एक्चुअली कल मैंने फर्स्ट टाइम दाल बॉईल करने रखा इंस्टेंट पॉट पे, और मुझे वाटर का अंदाज़ा था नहीं, क्योंकि आजकल तो मैं काफ़ी टाइम से खुले पैन में दाल बनाती हूँ, तो उसमें तो जितनी मर्जी पानी डाल दो। तो जितना भी मैंने पानी डाला था वो कम था दाल के लिए। वो बॉयल तो बहुत अच्छे से हो गया, नीचे लगा भी नहीं, जला भी नहीं, बट उसका पूरा मॉइस्चर खत्म हो गया, बिल्कुल सूखी वाली जो दाल होती है ना वैसा सा बन, और वो परफेक्ट होता है दाल के पराठे के फिलिंग के लिए। तनुज ने जैसे ही वो दाल देखा ना कल रात को, तो उसने बोला कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है पराठे के लिए। तो बस उसमें जीरा अदरक लहसुन और खूब सारे मसाले डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर लिया और फिलिंग रेडी हो। और मुझे ना इस तरह के एक्सपेरिमेंटल कुकिंग बहुत अच्छे लगते हैं, दो तीन रेसिपीज को मिक्स किया अपने तरफ से, कुछ भी इंग्रेडिएंट डाला और कुछ भी स्पाइसी सा अच्छा सा बनाओ, मजा आता है मुझे इस तरह की कुकिंग करने में। अगर आप भी मेरे जैसे हो तो मुझे बताना कि आप कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हो। सो बेसिकली आपको आलू वाली कढ़ी बनाने के लिए आलू प्याज की सब्जी बनानी है, कढ़ी को उबालना है और फिर दोनों को मिक्स कर देना है। बस बन गई हमारी आलू वाली कढ़ी। थर्सडे मॉर्निंग है, सेव ऑन फूड जा रहे हैं, कुछ चीज़ें लेनी थी। अभी येशा को ड्रॉप किया है, आज वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि फील्ड ट्रिप है उसके स्कूल में। तो मॉर्निंग के 6 o'clock से उठ के बैठी थी कि मुझे लेट नहीं होना है स्कूल के लिए, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बस अभी हम सेव ऑन फूड जा रहे हैं, लड्डू बनाना है मुझे। मैं जो शुगर स्टॉक में रखती हूँ ना वो ख़त्म हो गया है। वैसे तो सोचा था कि वीकेंड में लूँगी, क्योंकि शुगर राइस आटा ये सब हम बल्क में ही लेना प्रेफर करते हैं, कॉस्ट फ्रेंडली होता है वो। और केयूष यहाँ पे आ गया है प्ले करने, ये उसका फेवरेट एरिया है। और यहाँ मिल गया है हमें केयूष का फेवरेट कार्ट, एरोप्लेन कार्ट। बैठ जाओ। Let's pick some banana. Yeah. Let's pick some banana. That's called a yellow. Those are pterodactyls. We don't eat those. We don't eat those. There's a blue one. And? So there's a blue one. There's some orange and apples. What, mango? Oh. He needs an apple and orange. Yes. Apple and some mango and some banana. We need some sugar. We need some sugar. छोटा सा पैक लेते हैं आज के लिए. क्या दी sugar? Yes. फिर बड़ा वाला पैक लेंगे वीकेंड में. And with that. That sugar, that's so good. That sugar on strawberry. That's brown sugar. Yes. ये मेसन जार्स कितने प्रिटी है ना, बटरफ्लाइज बने, और ये सारे गार्डन डेकोर। घर आ गई हूँ, अभी भी बस नहाया है, जा रही हूँ लड्डू बनाने। मुझे ना सुबह से टाइम नहीं मिला था लैपटॉप चेक करने का, तो मैंने सोचा देखती हूँ कल ही वीडियो पोस्ट किया है कैसा चल रहा है, क्या कमेंट्स आए। तो मैंने जस्ट एक ग्लांस लेने के लिए ओपन किया, फिर जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं,
आप लोग हमेशा ही अच्छे कमेंट करते हो, बट इस वीडियो पे आप लोगों में से कितनों ने लिखा है कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, कुछ ने लिखा है आपके लाइफ में डिफिकल्ट टाइम चल रहा है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारे कमेंट्स पढ़ के कि मैं जो भी कर रही हूँ वो अगर किसी एक इंसान के लिए भी वो हेल्पफुल रहता है ना, एक इंसान की ज़िंदगी में भी अगर खुशी ला पाता है, इट्स वर्थ इट। चलो मैं जाती हूँ लड्डू बनाने। और अगर आपको बेसन के लड्डू का रेसिपी चाहिए तो मेरे लास्ट ईयर के होली ब्लॉग में है, आपको टाइटल में ही मिल जाएगा बेसन का लड्डू, तो आप चेक कर सकते हो। और ये कुर्ता मैंने कल ही प्रेस किया था ना और मैंने पहन भी लिया। और ये कुर्ता ना मैंने येशा के सेकंड बर्थडे पे लिया था, इसका मतलब कितने 6 ईयर्स ओल्ड कुर्ता है ये, और अभी तक इसका कलर इतना अच्छा है। वीवा ब्रांड का है, मैंने पैंटलून से लिया था। अच्छे से पानी दो केयूश। ये सारे फूल झड़ गए हैं, पर्पल वाला भी झड़ गया, पिंक वाला भी झड़ गया। फिर से होगा क्या? शायद नहीं होगा ना, वन टाइम ही होता है इधर बस। मतलब इस सीजन में हो गया, अब नेक्स्ट टाइम होगा। तो ये एवरी सीजन वाला है ये पेरेंट। अच्छा या लड्डू यम, काफी दिनों बाद बनाया। काफी टाइम हो गया था। क्योंश यहाँ बाहर खेल रहा है और मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। क्योंश प्ले कर रहा है। और पता है आज क्या हुआ? अगर आप रेगुलरली मेरा ब्लॉग देखते हो तो शायद आपने एक बार ही सोच लिया होगा कि आज तो थर्सडे है तो केयूश स्कूल क्यों नहीं गया। एक्चुअली हुआ ये कि मॉर्निंग में हम निकले, येशा को ड्रॉप किया और फिर हम गए केयूश को ड्रॉप करने के लिए उसके बस स्टॉप। और मैंने ना रिसेंटली डिस्कवर किया है कि उसके स्कूल 2 नंबर की बसेस जाती है, लाइक 2 डिफरेंट बसेस जाती हैं। तो जनरली मैं जिस बस में जाती हूँ उसको अभी 5 मिनट्स था आने को, तो जैसे ही हम बस स्टॉप पहुँचे मुझे दूसरी वाली बस दिख गई जिसमें एक बारी हम गए हुए हैं और वो भी स्कूल के पास से ही जाती है। तो मैंने सोचा चलो इस पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे ना एक ही नंबर की 2 डिफरेंट बसेज हैं जो डिफरेंट रूट्स पे जाती हैं, तो बेसिकली नंबर के साथ जगह का नाम लिखा होता है। तो मैंने नंबर तो देख लिया बट नाम पे, जगह के नाम पे मैंने ध्यान नहीं दिया और हम बैठ गए। थोड़ी दूर गए, सोचा अच्छा दूसरे टर्न से जाएगा क्योंकि एक ही बार गए थे तो उतना रूट याद नहीं था। फिर क्योंश ने भी बोलना शुरू किया, मम्मा वेयर आर वी गोइंग। फिर मुझे भी लगा एक्चुअली वेयर आर वी गोइंग, ये तो कुछ और ही रूट है। और वो बिल्कुल ना घर के अंदर अंदर से रेसिडेंशियल एरिया से लेके जा रहा था, तो बिल्कुल खाली खाली एरिया था। तो फिर मुझे लग गया कि कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने। बट मैं बीच में नहीं उतरी क्योंकि जब आप रेसिडेंशियल एरिया पे उतरते हो तो बस के ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते, लाइक जिस बस से मैं जा रही हूँ शायद बस वही बस वापस आएगी। इसलिए मैंने सोचा कि कोई बिग टर्मिनल होगा, मैं वहीं पे उतरूंगी ताकि मुझे बसेस के ऑप्शन मिल जाए। तो जाते जाते हम लास्ट स्टॉप तक पहुंच गए और वो था यहाँ का जो सबसे बड़ा मॉल है जहाँ पे हर एक सुपर स्टोर वॉलमार्ट है, मैंने कितनी बार आप लोगों को दिखाया भी है। हम वहां पहुंच गए। उसके बाद क्योंश बोलते हैं, मम्मा वेयर इज स्कूल, ये तो बिग शॉप है, वो वॉलमार्ट को बिग शॉप बोलता है। तो मैंने क्योश को बोला, क्योश वी आर लॉस्ट। क्योश मुझे समझा रहा है, मम्मा डोंट वरी वी विल टेक अदर बस। वहाँ पे बहुत सारे बसेस थे क्योंकि वो टर्मिनल है। तो हम गए तो हमें तुरंत दूसरा वाला बस मिल गया जो डायरेक्टली घर तक आता है। और पता है क्या हुआ था, आज मॉर्निंग से, क्योंकि कभी भी नहीं बोलता है कि स्कूल नहीं जाना, बट आज मॉर्निंग से ही उठ के बोल रहा था आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मुझे पता था कि स्कूल एक बार ही पहुंच जाएंगे तो ही विल बी फाइन, ऐसा नहीं करेगा कि रोएगा, बट उसका आज मन था नहीं। और देखो इसीलिए नहीं हुआ, वो पॉजिटिविटी वाली वीडियो देखी थी ना, उसमें मैंने बोला था ना कि एकदम दिल से चाहो तो वो पूरा हो जाता है। अनुज मुझे वही बोल रहे थे, देखो तुमने कल ही पॉजिटिविटी वाली बातें करी है कि दिल से शिद्दत से चाहो तो वो पूरा हो जाता है। आज केयूश ने भी बिल्कुल दिल से चाहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना,
तो देखो गए ही नहीं, और ये पहली बार हुआ. लाइक आज तक कैनेडा में ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कि मैं गलत बस पे चढ़ गई हूँ. दिल्ली में जब मैं आई थी तब मेरे साथ काफी बारी हो चुका है, मैं दिल्ली में इधर उधर भटक गई थी, बसेस गलत ले लिए थे, बट आज तक कैनेडा में नहीं हुआ है. आई एम शॉक्ड कि ये हुआ कैसे. मैंने मोस्टली ये सारा अरेंज कर दिया, थोड़े बहुत कपड़े हैं अभी प्रेस करने के लिए, वो अलग से इस बॉक्स में रख दिया है, वो धीरे धीरे कर लूँगी. और रूम की हालत भी ठीक हो गई है, केयूष सो रहा है वहाँ पे. और अगर आपके कैबिनेट में जगह नहीं होना तो इस तरह के हैंगिंग कैबिनेट ऑर्गेनाइजर्स बहुत यूज़फुल होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं और आपको वॉलमार्ट में भी मिल जाएंगे, मे बी अमेजोन में भी मिल जाएंगे. मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. आज लंच में कुछ बनाना नहीं था, कल की कड़ी रखी हुई थी तो अनुज ने रोटी और कड़ी खा ली. और थर्सडे को ना समाव मुझे लगता है मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो पूरे दिन में मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ. और डिनर का भी उतना टेंशन नहीं होता क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी होती है, बहुत सिंपल होता है, कुकर में बन जाता है जल्दी से, तो बहुत सारा मेरा काम निपट जाता है. तो बस अभी भी येशा को लेके आई हूँ, केयूष भी सो रहा है, अभी 1 आवर तक सोएगा ये, तब तक अनुज आ जाएंगे और उसके बाद ही सब्जी बनाऊंगी. अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप ज़रूर देना. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी. टिल देन यू टेक केयर, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज. बाय बाय.